और एट गैस, तो यहाँ पर पीएचपी के इस ट्यूटोरियल में अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी। अब मैं यहाँ पर करने के वाला हूँ, आप लोगों को सबसे पहले जैम स्टार्ट करके यहाँ पर दिखाऊंगा। जैम स्टार्ट एक बार हो गया है, उसके बाद हम लोग कुछ कर पाएंगे। अब देखो, जैम वगैरह में बार बार आप लोगों को इंस्टॉल करना, सॉरी इंस्टॉल नहीं, स्टार्ट करना नहीं बताना चाहता, बट अगेन कभी कभी क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो देख नहीं पाते हैं। एनीवेज, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जो है सोच रहे होंगे कि हम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेट्स डॉट पी एच पी करके एक नई फाइल बना लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरह से पी एच पी लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एको और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेट्स। ये ना ही तो खजूर वाली डेट है और ना ही ये जो डेट में जाते हैं वो वाली डेट है, ये तारीख वाली डेट है। तो चलो इसी बात पर इसको रिलोड करते हैं और 17th वाली जो डेट वाली जो फाइल बनाई है उसको खोल लेते हैं। तो मैंने अभी उसको खोल लिया है। अब यहाँ पर डेट का क्या यूज़ है पीएचपी के अंदर, अगर आप लोग करंट डेट चाहते हैं पीएचपी के अंदर तो आप लोग डेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेट फंक्शन क्या करता है मैं आप लोगों को बताने से अच्छा दिखाई देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एको, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर डी इज इक्वल टू, और लिखता हूँ डेट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एल लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा टूडेज डेट इज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा डॉलर डी, और उसके बाद बी आर भी लिख दूंगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी मैं बी आर लिख दूंगा, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, और यहाँ पर देखो कि जब मैंने सिर्फ एल लिखा तो यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर आया, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एको, लगता है मैंने कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया। येस आई एम राइट, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया। रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो टुडेज डेट इज़ थर्सडे, ऑब्वियसली आज थर्सडे डेट नहीं है, थर्सडे इज़ द डे, बट अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे और चीज़ें देखेंगे और क्या क्या आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डी लिख दूँ उसकी जगह, एल के साथ साथ डी लिख दूँ ऐसे, तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या होगा, ये कह रहा है टुडेज 23 थर्सडे, ठीक है। अब डी के ही साथ साथ मैं अगर कुछ ऐसे लिख दूँ, मान लो मैं एल लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन है किसी को रट्टा लगाना नहीं है, बट अगेन मैं यहाँ पर ट्राई आउट कर रहा हूँ सिर्फ अपना जो पुराना मेरी नॉलेज थी पीएचपी की, जो कि जब मैं बनाता था वेबसाइट्स एक टाइम पर बहुत सारी, वो नॉलेज को मैं यूज़ करके वो जो मैंने रट्टा लगाया था, यानी कि ऑटोमेटिकली जो रट्टा लग गया था उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम लोग जो है डेट को लिख सकते हैं। तो अगर मैं जे लिखूँ, जे तो शायद डे आता है, तो मैं यहाँ पर जे लिखूँगा, और यहाँ पर डेट को बनाने के लिए आप लोग जो है इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, 23, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। अब जे और डी में डिफरेंस ये होता है कि जो जे होता है उसमें ज़ीरो नहीं होता है, और जो डी होता है उसमें 0102 करके आएगा, अगर एक दो तारीख है जे में 12 आएगा। तो ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन हमको कैसे मिलेंगी इसको ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर मिलेंगी, php.net डेट्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो डेट को अगर मैं खोलूँ तो ये देखो इन्होंने सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप डी लिखते हैं तो आपको 01 to 31 मिलेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर डी लिख देता हूँ, तो जो आज की तारीख है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डे 3 letters, ये आ जाएगा यहाँ पर, फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक, ठीक है, ये आ जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर एन डी और ये सब आ जाएगा, तो 23rd है अगर तो आर डी आ जाएगा। तो मैं कैपिटल लेस अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा आर डी। तो डी से आएगा आज की तारीख जो भी होगी वो, एस से आ जाएगा अगर 4th है तो टी एच आएगा, 23rd है तो आर डी आएगा, और उसी हिसाब से ये जो एस है अपना स्थान जो है पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देखो न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक, यानी कि संडे वगैरह, लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे मंथ चाहिए। तो अगर मुझे टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मंथ मिल जाए कहीं से तो मज़ा आ जाए। तो जनवरी फरवरी करके अगर मुझे मिल जाए, तो ये देखो यहाँ पर कैपिटल एफ़ से मिलता है मंथ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कैपिटल एफ, और उसी के साथ साथ जो ईयर है वो मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए फिर। तो ये देखो यहाँ पर ईयर अगर मैं कैपिटल वाई लिखता हूँ तो मुझे 1999 करके मिलेगा, और अगर मैं स्मॉल वाई लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ 99 मिलेगा। यानी कि अगर मुझे दो कैरेक्टर का चाहिए ईयर तो मैं यहाँ पर स्मॉल वाई यूज़ करूँगा, और अगर मुझे चाहिए 4 letter का तो मैं कैपिटल वाई यूज़ करूँगा। चलो यहाँ पर कैपिटल वाई यूज़ कर लेते हैं, और ज़रा देखते हैं कि इसने क्या डेट बनाई हमारी। तो अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो देखो 23rd अप्रैल 2020, मैं यहाँ पर इसको आर डी को मिलाना चाहता हूँ इससे, तो मैं इसको इस तरह लिख दूंगा और 23rd अप्रैल 2020।
तो इस तरह की डेट्स वगैरह आप लोग जो है जनरेट कर सकते हैं PHP के इस फंक्शन से। तो देखना कहाँ पर है आपको, देखना है आप लोगों को इस ये मैनुअल में, PHP की मैनुअल में। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो कि क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इस तरह की, जैसे कि PHP की डेट्स में डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, एस क्या है, एल क्या है, जी क्या है, डब्ल्यू क्या है, एस क्या है, एन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग आदत डालो इसको देखने की, मैनुअल को देखने की। अब अगेन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इट्स नॉट कन्वीनियंट, ये बड़ी मुझे यू नो जैसे कहते हैं उलझन सी लगती है इसको देखने में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ से देखने की आदत बनाएंगे तो आप सोर्स से देख रहे हैं। अगर किसी ने किसी भी ब्लॉग से, मान लो आप देख रहे हैं xyz.com नाम का कोई ब्लॉग है, xyz coding.com मान लो कोई ब्लॉग है, या फिर हैरी का ही ब्लॉग क्यों ना है, वहाँ से अगर आप लोग देख रहे हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मैनुअल से देखें। अब अगेन मैं अपना ब्लॉग भी मेरा है, मैं भी लिखता हूँ इस तरह के पोस्ट और चीज़ों को सिंप्लीफाई करता हूँ, लेकिन जब बात आती है रेफरेंस लेने की, जैसे कि इस तरह की, तो आप लोगों को हमेशा जो सोर्स है उसकी, यानी कि जो आपका PHP का डॉक्यूमेंटेशन, जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं php.net PHP के केस में, उससे अगर आप लोग अपना सारा का सारा जो डेटा है वो लेकर आ रहे हैं, अपनी जो रेफरेंस है वो वहाँ से ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप लोग जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करें, और इस तरह के आप लोग जो डेट्स हैं और भी बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम 3 एग्जाम्पल मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में डेट्स के पोस्ट करके दें जिसमें टाइम भी आता हो। जैसे कि अगर आप लोग मुझे दिखाना चाहते हैं सिर्फ टाइम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर आप लोग मुझे दिखाना चाहते हैं मान लो रेलवे वाला टाइम, तो क्या मतलब आप लोगों को करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आप लोग दिखाएं। तो बेसिकली आप लोगों से मैं चाहता ये हूँ कि कोई भी 3 एग्जाम्पल्स आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में कम से कम पोस्ट करें। आप लोग ज़्यादा करेंगे आई अप्रिशिएट इट, लेकिन मैं कहूँगा कम से कम 3 एग्जाम्पल डेट्स के मुझे सब लोग पोस्ट करके दें। तो यहाँ पर मैं सोर्स कोड में भी इंक्लूड करना चाहूँगा इस चीज़ को, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोई क्विज ये है कि पोस्ट एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेट्स इन PHP। ठीक है, तो 3 अलग अलग तरह के फॉर्मेट होने चाहिए, वो तीन एक ही एग्जाम्पल को 3 बार मत चेप देना। कम से कम 3 एग्जाम्पल्स आप लोगों को डेट्स के इन द कॉमेंट्स बिलो लिख देता हूँ, इन द कॉमेंट्स बिलो नीचे आप लोगों को कॉमेंट्स में पोस्ट करना है। ठीक है, तो हमने एक तरह की डेट यहाँ पर बनाई। अगर मैं और डेट्स बनाने की आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। और अगर टाइम भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो जी यहाँ पर है, आवर जी से मिलता है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को मिनट्स आई से मिलते हैं, तो g:i भी लिख दूँ अगर मैं यहाँ पर g:i, तो यहाँ पर मुझे ये भी मिल जाएगा। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ। सेव किया मैंने इसको, रिलोड किया, तो 10:31 यहाँ पर जो है लिख कर आ गया, तो 23rd April 10:31। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइम है वो आ गया है। अब अगर मैं कैपिटल ए यहाँ पर लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे कैपिटल ए अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो AM PM भी मुझे दिखाएगा। कैपिटल ए लिख दिया, ये मुझे AM PM भी अब दिखाएगा। तो देखो AM इसने मुझे यहाँ पर मुझे दिखा दिया है। सो आई होप कि आप लोग को जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और उसी के साथ साथ आप लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं इनको मैं एज इट इज़ रन करके देखता हूँ, कॉपी करूँगा। और मैं एक बात यहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और जिस चीज़ से मैं सहमति रखता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जो PHP की डॉक्यूमेंटेशन है, इट्स नॉट पुट अप वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से इसको नहीं लिखा गया है। आप लोगों को ब्लॉग्स मिल जाएंगे इससे अच्छे लिखे हुए, बट अगेन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें से आप लोगों को रेफरेंस अगर लेना है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं भी लिखा गया है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इन फ्यूचर अगर ये इंप्रूव होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और टाइम के साथ साथ PHP की डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंप्रूव हो रही है। बट अगेन एक जैसे कहते हैं ना, क्लीन चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, कोई एक स्टार्ट गाइड होती है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी होती है, जैसे कि Django की डॉक्यूमेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट अगेन अभी यहाँ पर Django का डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको अगर रन करूँ अभी, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको सेव नहीं किया लगता है, यस मैंने इसको सेव नहीं किया। सेव करता हूँ इसको, यहाँ पर कह रहा है पार्स एरर, कहाँ पर आ रहा है पार्स एरर, मैंने एको किया डेट, ओके मैंने यहाँ पर जो है सेमी कोलन नहीं लगाया, तो टुडेज
डेट इज़ के बाद, तो यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेट्स, टुडेज डेट इज़ ये, और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो इसने थर्सडे 23 अप्रैल ये, और उसके बाद July 1, 2000 इज़ ऑन अ सैटरडे लिखकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा टाइम इसने दिखाया है, तो मैंने यहाँ पर बी आर एक्चुअली नहीं लगाया, टू बी ऑनेस्ट मैं बी आर भी यहाँ पर लगा देता हूँ इसके स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आपके ब्राउज़र में ये टेक्स्ट जाता है तो वो एज अ एच टी एम एल एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक दूसरी डेट है जो कि हमने यहाँ से बनाई है, तो आप लोग जो है एम के टाइम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एम के टाइम फंक्शन क्या होता है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। एम के टाइम फंक्शन यहाँ पर देखो इन्होंने बताया हुआ है क्या करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, अगर मैं एम के टाइम की डॉक्यूमेंटेशन खोलूँ यहाँ पर, एम के टाइम, तो एम के टाइम का जो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, एम के टाइम को अगर खोलो तो इन्होंने बताया हुआ है एम के टाइम गेट यूनिक्स टाइम स्टैम्प फॉर अ डेट। तो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, आवर, मिनट, सेकंड, मंथ, डे, ईयर और ये सब चीज़ें देकर एक पर्टिकुलर डेट बना सकते हैं। बट अगेन ये मैं अभी यहाँ का मुद्दा नहीं रखना चाहूँगा, इसलिए मैं इस चीज़ को कॉमेंट ही कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉमेंट आउट ही कर देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि इस वीडियो का मुद्दा सिर्फ मैं डेट देना चाहता हूँ। अब डेट की यूसेज क्या हो सकते हैं, कहाँ पर आप लोग यूज़ करना चाहेंगे डेट्स को, ईयर को, इन सब चीज़ों को। जैसे मान लो आप कॉपीराइट लिखना चाहते हैं, कभी नीचे होता है ना वेबसाइट्स पर लिखा रहता है कॉपीराइट 2012, कॉपीराइट 2013, कॉपीराइट 2014। तो अगर मैं कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, एको, और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ मान लो कॉपीराइट, और फिर मैं मान लो डॉलर ईयर के अंदर ईयर स्टोर करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, और एक बी आर भी लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो ईयर लिख कर आ रहा है 2012, 2011, 2013 वो लिख कर मेरा आ जाए, और ऑब्वियसली डॉलर ईयर के अंदर मैं क्या करूँगा, डेट फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर जो ईयर है उसको ले लूँगा। तो कॉपीराइट 2000 यहाँ पर, उप्स कहीं सेमीकोलन लगाने में गलती हुई है, लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, और इसको मैं रिलोड करूँ तो यहाँ पर देखो कॉपीराइट 20 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अगर मैं यहाँ पर इसको कैपिटल वाई कर देता हूँ तो ये 2020 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बी आर लगाना भी ज़रूरी है, तो एक एको करके बी आर भी लगा देते हैं यार, अच्छी बात है। सेव किया इसको मैंने, और इसको यहाँ पर रिलोड करूँगा तो देखो कॉपीराइट 2020 ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है। अब ये चीज़ जो होती है वो नीचे होती है, अगर 2021 आएगा कभी या 2022 आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों को 2021 दिखाई देगा। तो मुझे मैनुअली अपने वेबसाइट्स के थाउजेंड्स ऑफ पेजेस को एडिट करके उसमें डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो काम है मेरा हो जाएगा। सो आई होप कि डेट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है नीचे, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पोस्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है मेरी पीएचपी की, जो कि यहाँ पर है, मैंने खोली नहीं इस बार, ये प्लेलिस्ट आप लोगों ने एक्सेस अगर नहीं करी है तो काइंडली इसको ज़रूर एक्सेस करें, और इसको एक्सेस करने के बाद आप लोगों को सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो एक बार में देखने को मिल जाएंगे, और आप लोग जो है यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन वीडियोज़ को जो है देख पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, और आप लोगों ने अगर इन्जॉय किया है इन वीडियोज़ को तो मुझे कमेंट में बताया करो, और एक लाइक ज़रूर ठोक दिया करो यार वीडियोज़ में, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये प्लेलिस्ट। लेकिन यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके आप लोग सेव करना बिल्कुल मत भूलना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।